फिल्मों में काम इंडस्ट्री की भागदौड़ में थक गए हैं कार्तिक, क्या अब हो रहा है पछतावा? आइए जानें क्या है कार्तिक का कहना। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज के लिए तैयार हैं। फिल्म का प्रमोशन करते हुए अब एक्टर ने अपनी लगातार काम करते रहने पर बात की है। अपने इंटरव्यू में करियर के बारे में बात करते हुए कार्तिक ने कहा, जब मेरे पास काम नहीं था तब मैं बस ये सोचता था कि काम कैसे मिलेगा मुझे। जब मुझे मेरी पहली फिल्म मिली तो मैंने उस पल को एंजॉय नहीं किया, मैं बस काम में लग गया। फिल्म रिलीज हुई, फिर मैंने दूसरी फिल्म की जो नहीं चली, और फिर सोनू की जीतू की स्वीटी ने मेरे करियर को दोबारा शुरू कर दिया। फलता फेलियर सब हो रहा है, अभी तक मुझे रिलैक्स करने और सोचने का वक्त नहीं मिला है, मुझे बैठकर सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसी रेस में हूँ जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। कार्तिक ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को पर्सनल टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा काम के बारे में आगे बढ़ने, क्या सही है क्या गलत है, इन सब के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं इस स्पेस में लंबे वक्त से हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन ये भी है कि मुझे नहीं पता कि काम के अलावा मैं क्या करूँ। मैं 100 गुना वर्कहोलिक इंसान हूँ, पता है मैंने क्या एंजॉय किया था? जब पहली बार किसी ने मुझसे सेल्फी मांगी थी और मुझे पहचाना था, मैं जानबूझकर मॉल जाता था ताकि लोग मुझे पहचान। तो ये सब मेरे लिए काम है। फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें कार्तिक के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमरी लीड रोल में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भूल भुलैया 3 को लेकर ऑडियंस के बीच इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। आफ्टर भूल भुलैया 2 सभी को उम्मीदें थी कि इस बार इस पार्ट में हमें काफी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, और भूल भुलैया 2 के रिलीज होने के बाद से ही ये खबरें थी कि फिल्म में विद्या बालन हमें देखने के लिए मिलेंगी, और मेकर्स ने वैसा ही किया है। विद्या बालन तो फिल्म में है ही, साथ ही इस बार माधुरी दीक्षित भी हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार इस फिल्म में हमें दो दो मौनजुलिकास देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो ऑडियंस और भी फिल्म का अभी सभी से इंतजार कर रही है। देखना ये होगा कि 1 नवंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उसका रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से कैसा आता है। उम्मीद करेंगे कि फिल्म की कमाई जो है वो अच्छी रहे। आपका दोस्तों इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।